मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर विधानसभा में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें बीआईपी ड्यूटी से लौट रहे 2.5 दर्जन से ज़्यादा 29वीं बटालियन के पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भांडेर रोड के मोहना हनुमान मंदिर के पास की बताई गई है। पता चला कि ऑटो के बीच में आने से अचानक पुलिस वैन के ड्राइवर का अपने वाहन से नियंत्रण हट गया और वाहन एक ओर जाकर पलट गया। इसमें करीब 40 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। तुरंत ही मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस फोर्स और राहतकर्मी भेजकर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए हैं। दतिया से खबर हर पल के लिए रजनी लेटोरिया की खबर। और सामने से ऑटो आया, जो हमारी बस चौड़ा भांडे से वीआईपी ड्यूटी करके लौट रही थी। सामने से ऑटो आया, उसको बचाने के लिए बस लहरा ही और पड़ गया। सर कितने लोग घायल हुए? बस था, हम सबसे पीछे बैठे थे। आप क्या लगी आपको? हाँ, जब सर को चढ़ाओ वैसे घूमने नहीं आप, जब पखवाड़ा ही था उतना नहीं बोला। ठीक हो जाओ दादा, चल चल नहीं लो। एक बस है जो एस एफ पी जवान जिसमें ड्यूटी करके वापस आ रहे थे दतिया, उनकी बस पलट गई है, जिसमें हमारे पुलिस जो एस एफ पी जवान है वो घायल हुए। कितने जवान थे और वर्तमान में स्थिति क्या है? अभी सभी डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में है और इनकी संख्या लगभग 30 से 31 बताई जा रही है, सूची तैयार की जा रही है। कोई क्रिटिकल? अभी डॉक्टर साहब लगातार सभी पर नजर रखे हुए हैं कैसी स्थिति होगी। पांडे ड्यूटी करके आ रहे थे अभी जी, तो मोहना जी के हनुमान जी हैं, तो वहाँ पे वो कोई ऑटो को बचाने के लिए बस पलट गई आपस में और 31 जवान घायल हुए, जिसमें से एक को माइनर फ्रैक्चर है। बाकी सबकी जांच करके कुछ को दवा दे के छोड़ रहे हैं, कुछ में एक का कान पे यहाँ कट लगा है, उसकी मतलब कर दिया है, उसका स्टिच लगा दिए हैं। ये कभी आपने देखा हो थोड़ा गर्दन पे उनके है जग्स हैं, और वो जो ब्लंट टाइप का जैसे कहते हैं ना, अंदर प्रेशर 5-6 जवान महसूस कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब का भी फ़ोन आया था कि अगर किसी को रेफ़र करने की आवश्यकता हो तो वहाँ पर ग्वालियर में भी उन्होंने व्यवस्था कर दी है पूरी। फिर भी यहाँ पे अभी निगरानी रखी जा रही, प्राइमा फेसी तो नहीं लग रहा है किसी को भेजने की आवश्यकता, लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने मतलब रिक्वेस्ट कर ली है CMHO साहब को और सिविल सर्जन साहब को कि जो है अगर ऐसी स्टेज बनती तो उसमें जरा भी विलंब ना करिएगा, सीधे भेज दीजिएगा। सर